अभ्यालग्निरान्धस्य ज्ञानञ्जनस्वाहाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्ण नामने गौरविषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदामि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रापृजन्तमनुपेतमपि द्वैपायनो विरहकातर्याय पुत्रेति तन्मयतया कर्वो तं सर्वभूतमिदं त्वैवास्मि त्वैवास्मि इति ते ज्ञाय राधे परसों से ही भगवान श्री रामचंद्र जी की कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। हमने बताया था वाल्मीकि जी इस अलंकार अनुप्रास इत्यादि के सहित इस वाल्मीकि रामायण को लिखा, लव कुश को पढ़ाया। लव कुश ने राम की सभा में इसका वर्णन किया, फिर और भी सीता जी का पताल प्रवेश इत्यादि हमने वर्णन किया। तो पहले प्रारंभ में हमने बतलाया, नारद जी ने वाल्मीकि को राम के सारे चरित्रों का वर्णन करके सुनाया और फिर उनको कहा, समाधि योग में तुम इसका अनुभव करो। जैसे नारद जी ने व्यास जी को कहा, समाधि में सब लीलाओं का दर्शन करोगे और फिर उसी को ही लीलाओं का वर्णन करो। उसी प्रकार से नारद जी ने कहा, समाधि योग में आंवले की भांति हाथ में रखे हुए आंवले की भांति उन सब लीलाओं का दर्शन करो और उसको अनुभव करो जिसको श्री रामचंद्र जी ने अकेले किया, वहां पर कोई नहीं और उनका कोई भी भाव नहीं किया उन लीलाओं को। इसके अतिरिक्त और भी जो गुप्त लीलाएं हैं मैंने नहीं कहा है उसको भी तुम अनुभव करो, कह करके चले गए। और तब बात देखी उन लीलाओं का जो भक्ति जो में बैठ करके अनुभव किया, अनुभव करके क्या देखा उसी का वर्णन कर रहे हैं महात्मा नारद जी ने। पहले जैसे वर्णन किया था उसी क्रम से भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश विभूषण राम के चरित्र रामायण काव्य का निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है उसी प्रकार से यह महाकाव्य गुण अलंकार एवं ध्वनि आदि रत्नों का भंडार है। इतना ही नहीं, संपूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थ प्रतिपादक होने के कारण बहुत ही कर्णप्रिय, बहुत ही सरस और करुण भावपूर्ण है। राम की लीलाओं को सुनकर के कृष्ण की साजी कोई नहीं रोएगा,
किंतु राम की जो लीलाएं करुण की हैं, उनको साधारण मनुष्य भी जिनको भक्ति नहीं है वो लोग भी रोते हैं। अब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का जन्म देखा, कैसे जन्म दिया, उनका महान पराक्रम, उनकी सर्व अनुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य स्वभाव, सत्यशीलता, इन सबका महाकाव्य में वाल्मीकि जी ने वर्णन किया। अब जन्म के बाद में वशिष्ठ जी से चारों भाइयों ने शिक्षा ग्रहण, अस्त्र शस्त्र, संगीत इत्यादि 64 कलाएं, जैसे कृष्ण ने संदीपनी से सुनी, ऐसे इन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त, यहां तक कि उपवास रहना, कुदाल चलाना, लकड़ी चीरना, जितने प्रकार के वनवास में जो कष्ट हो सकते हैं, वशिष्ठ ने जान करके ये भी हो सकता है वन में जाना पड़ेगा, क्या क्या कष्ट होगा, इन सब कष्टों को झेलने के लिए भी उनको सबको सिखलाया। दुख आने पर भी धैर्य धारण करना, ये सब सिखलाया। इसके बाद में विश्वामित्र के साथ में जाकर के विचित्र विचित्र लीलाएं, सिद्धाश्रम में गए उनके साथ में, और वहां पर तारका सुबाबु इत्यादि कितने हजार राक्षसों का हंस किया, मरीचु को ऐसा बाण मारा कि वो लंका समुद्र में लंका के निकट जाकर के गिर पड़ा, मरा नहीं, क्योंकि उसे कुछ काम था, सीता जी का चोरी इत्यादि होना था, इसलिए उसको जान से नहीं मारा। ये सब लीलाएं की, ये सिद्धाश्रम में ही मेरा जन्म है, बक्सर में गंगा के तट पर, इसलिए बचपन से ही मैं राम का भक्त था, उन्होंने कृपा करके हमको कृष्ण की लीला में हमको प्रवेश कराया, और महाप्रभु जी के इन सबका महर्षि ने वर्णन किया। देखा तो था नहीं, किंतु समाधि में ये सब देख करके लिखते हैं। फिर वहां से मिथिला जाने के रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया, अहिल्यावली जगह है, वो हम लोगों के घर से निकट ही है, वहां पर अहिल्या का उद्धार किया। पत्थर बनी हुई थी, विश्वामित्र की इच्छा से सब सुन करके अपने चरणों से स्पर्श किया, वो महान सुंदरी देवी के रूप में प्रकट हो गई। फिर उनके पति से फिर उनका मिलन करा दिया, उनके पुत्र का नाम सदानंद था, जो महाराज जनक के राजकुमारी थे, सुनकर के बड़े खुश, मिथिला में गए, मिथिला में उनका जाना और सीता जी से मिलने का भी बड़ा सुंदर सरस वर्णन है। जब बगीची में अपने गुरु जी की पूजा के लिए श्री रामचंद्र जी पुष्प संग्रह करने के लिए गए, उस समय सीता जी भी अपनी सहेलियों के साथ में देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं, और बाई चांस उस समय राम ने सीता को, सीता ने राम को देखा, राम का मन निकल करके सीता जी के यहाँ पर पहुंच गया। जब सब पहुंच गया, आसक्त हो गए, तो लक्ष्मण जी से ने कहा, भाई आज हमने बहुत अधर्म किया,
एक युवा नारी के प्रति हमारा मन दौड़ गया, ऐसा तो वंश में किसी का नहीं होता, तो मुझे धिक्कार है। लक्ष्मण जी ने कहा से, नहीं, रघुवंशियों का मन किसी प्रकार से भी नहीं करता, और यदि आपका गया है तो उसके साथ में जरूर आपकी शादी होगी। और इसके बाद में यही हुआ, जिसको अशुभ देवता गंधर्व राक्षस रावण बाणासुर विजित धनुष को हिला नहीं सके, सीता जी अपने हाथों में उठा करके उसको लिप को देती थी। महाराज जी ने जनक ने देखा, उन्होंने यही प्रतिज्ञा कर डाली कि धनुष की प्रत्यंचा जो उठा करके चढ़ा देगा शिव का धनुष सीता जी से। और रामचंद्र जी ने क्या किया, गुरु जी को प्रणाम किया और सहज रूप में, और वो सब राजा लोग उनको ठट्ठा उपहास करते, तो बड़े बड़े जीव लोग हारे हार गए और ये धनुष चढ़ाएगा। और रामचंद्र जी झट उसे उठाकर और प्रत्यंचा चढ़ाते समय में वो तीन टुकड़े हो गया। सीता जी को लाया गया, किंतु इतना प्रेम, ये राम के गले में वो माला देने के लिए हाथ में उठा सकती थी, और उस समय सहेलियों ने उनको हाथ को अपना सहारा दे करके उठवा करके राम के गले में बैठ गए। विवाह हो गया, विवाह होने के बाद विवाह हुआ उस समय में महाराज दशरथ अपने पुत्रों के साथ में आए, वशिष्ठ जी के साथ में आए। उसमें में सीता जी के विवाह के साथ ही साथ में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की शादी। महाराज जनक की एक और जात कन्या थी उर्मिला, उससे लक्ष्मण जी का, और उनके भाई कुशल भज की दो लड़कियां थी, उनके साथ में भरत शत्रुघ्न। विवाह खूब आनंद से हो गया। जब बारात लौटने लगी, ओ ध्वज तोड़ने का प्रचंड शब्द सुन करके मलयगिरी पर्वत से, महेंद्रगिरी पर्वत से फरसे धनुष बाण लेकर के वहां पर पहुंचे। कौन तोड़ा है बतलाओ, धनुष कौन तोड़ा? सब सन्नाटा में आ गया, सब लोग एकदम भयभीत हो गए। अरे जनक बतलाओ, मैं तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। कौन? नोकझोंक होने पर लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, लड़कपन में तो ऐसी धनिया धनिया मैंने क्या, छोटे बच्चे ऐसी धनिया तो हमने हजारों तोड़ डाली है, तो उस समय तो आपको कोई भी क्रोध नहीं हुआ, आज इस एक धनुषा के टूट जाने पर इतना तुम नाराज हो रहे हैं क्यों? तो हम तो कोहण की बतिया नहीं है, कोहण माने काशी फल, ऐसे ऐसे करने से तुम जाओ तो बैठो तो चुपचाप। जितने चिढ़ते उनको क्रोधित करते करते और क्रोध करते हैं, और उनका वो भाव भाव जो शक्ति का आवेश था भगवान का दूर होने लग गया। अंत में रामचंद्र जी ने कहा, जैसे महाराज मैंने धनुष तोड़ा है, ये छोटा दुर्मुखा बच्चा है, और आप जटाजूट लेकर के ऐसे आते तो कोई बात नहीं, फरसे लेकर के धनुष बाण लेकर के और भय दिखला रहे हैं। हमारे रकुल में यदि किसी को आप युद्ध से ललकारेंगे तो जब भी होगा तो हम उसे लड़ लेंगे, तो आपने ऐसा भय दिखाया है इसलिए, और यदि ऐसी बात है तो आपकी जो इच्छा है सो करती।
क्या कर, ये कौन है भाई, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम तो भाई छोटा सा है, तुम्हारा तो परशुराम, तुम्हारा नाम क्या है? कि वो छोटा सा रकम आपके सामने पड़ा, मैं कौन? फिर उनके वो समझ गए, उन्होंने अपना एक धन शंकर का और था, इसको चढ़ाओ तो आराम से जिन्होंने हाथ में लिया और अब समझ गए, अब हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति करने लगे। राम ने कहा ये तो बात हुई, किंतु मेरा धनुष पर जब बाण चढ़ जाता है तो वो व्यर्थ नहीं जाता, अब बतलाइए ये बाण कहाँ छोड़ू? आपके जो कर्म हुए हैं, तपस्या है, इसके ऊपर मैं छोड़ू ना, आपके ऊपर मैं छोड़ू? आपके ऊपर मैं छोड़ेंगे तो आप मरेंगे, आप कर्म फलो जो तपस्या इत्यादि का फल है तो वो नष्ट हो जाएगा। अब सोच विचार करके उन्होंने कहा कि हमारे कर्मों तपस्या इत्यादि का फल है, वही हो जाए। मैं महंत पर अब जा करके अब आराधना करूं, ऐसा ही ना, ये सब घटनाएं। राम और परशुराम का संवाद ये सब बदला है। दशरथ राम के गुण, उनके अभिषेक, कैकेयी की दुष्टता, कब हमने बतलाया था कैकेयी ने ऐसा वर क्यों लिया? राम के विशेष आग्रह करने से, और यदि कैकेयी वर नहीं मांगती वनवास का, राम का वनवास नहीं होता, सीता जी की चोरी नहीं होती, बाली का पद नहीं होता, राक्षस ये कुंभकर्ण और रावण का मेघनाथ जैसे लोग, इनका कभी भी वध नहीं होता, और पृथ्वी का भार उतरता नहीं। इसके साथ साथ हनुमान इत्यादि का पराक्रम और उनकी भक्ति की प्रकाश नहीं होती, सब कुछ कैकेयी ने, कैकेयी महारानी ने कलंक सह करके भी राम के लिए ये सब किया। रामचंद्र जी चले, महाराज दशरथ ने कहा इनके साथ में सारी सेनाएं, सारा कोष, खजाना, मंत्रिवर्ग भी जाए। तो कैकेयी ने कहा जो ये सुने राज्य को लेकर के क्या करेगा हमारा बेटा? तब तो राजा कहा रहा, फिर वशिष्ठ जी के कहने से नहीं गया, किंतु अपने साथी को भेजा और वो निषाद राज के राजधानी में पहुंचे। निषाद राज ने कहा प्रभु हमारे राज्य का आप राजा होकर के रहे, ये राज्य आपके चरणों में निछाव पड़ता, ये भी तो बन ही है, रामचंद्र जी नहीं माने। सुमंत को वहीं से बड़े कह सुन करके उनको लौटा दिया और निषाद राज को लेकर के चित्रकूट तक गए, चित्रकूट से उसको भी लौटा दिया। श्री राम आदि का गंगा पार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शन, भरद्वाज जिसने जब भरत आए थे पहले तो राम और लक्ष्मण सीता जी का अभिवादन किया, और इसके बाद में उन्होंने बताया कि चित्रकूट में आप रहिए, वही आपके लिए स्थान उपयुक्त है। और जब उनको भरत जी मिलने के लिए आ रहे थे, चतुरंगणी सेना सब लोगों के साथ में, उन्होंने कहा आज हमारे यहाँ आपका भोजन हो, सब लोगों का था तो कुछ नहीं उनके पास शंकर जी के समान, साथ ही साथ में अपनी तपस्या से जो बल से
लाखों करोड़ों लोगों को भोजन करा दिया और सबके रहने के लिए स्थान, सुंदर सुंदर स्थान राजभवन जैसा बना दिया। हाथी घोड़ों को खाने पीने सबकी व्यवस्था कर दी। अद्भुत। फिर वहां से चित्रकूट गए। वहां चित्रकूट की बातें हमने कैसे भरत जी आए और किस प्रकार से जनक जी ने उनको समझाया। भरत जी उनकी खड़ाऊ लेकर के अयोध्या लौट गए। नंदीग्राम में रह करके वनवासी की भांति अपनी स्त्री को भी अपने साथ नहीं रखा, वहां पर रहने लगे। और एक दिन उनकी मैया कह गई, उनसे मिलने के लिए वहां पर नंदीग्राम में आई, भरत से मिली। किस लिए आई है महारानी? माता जी ने तो मुझे महारानी कहते हो, माता नहीं कह सकते, मेरी माता तो मर गई। वो जो मेरी मैया थी वो तो बड़ी स्नेहशील थी, महारानी आप में ये सब नहीं देखता। कहिए आपको क्या काम है, आपका वो काम करवा दूंगा। आप क्या नहीं पे, मैं यहां पर रहना चाहती हूं, ये नहीं हो सकता। तो वहां पर हमको बिच्छू और सांप जैसे डंक मारते हैं, उस राजमहल में मैं अकेली नहीं रह सकती। नहीं, तुम्हारे लिए यही प्रायश्चित है, जो कर्म किया उसका फल भोगो। यहां से चली जाओ उसी राजमहल में, तुमने तो राजमहल मांगा था, अब राजमहल में रहो, आप महारानी हैं। बहुत विचित्र विचित्र बैठाए। वहां से अयोध्या लौट गए भरत, और वो उन्होंने देखा कि ये तो लोग आते रहेंगे अयोध्या से, उसको छोड़ करके दंडकारण्य में जा रहे। विराट नामक एक असुर रास्ते में मिला, बड़ा था इनका, वो छट इनको देख करके सीता जी को पकड़ लिया। राम और लक्ष्मण देख करके बड़े विषाद कर राम कहते कि आज इसकी कह कही की बात हुई हुई, आज सीता जी को भी ये ले जा रहा है। लक्ष्मण जी उनको ठार पड़ा है और फिर दोनों भैया मिल करके उसे बाणों से मारा, हाथ काट दिया, मरा नहीं। यही मरता नहीं है तो उसी ने कहा ऐसे नहीं मरूंगा, यदि पृथ्वी में हमको गाड़ दिया जाए तब मरूंगा, बाणों से और किसी तरह से। हाथ काट दिया, पैर काट दिया है, वो नहीं मरा। तब फिर दोनों ने उसे पकड़ करके गिरा करके लक्ष्मण जी ने कुदाल से गड्ढा खोदा और दोनों ने मिलकर के उसको धकेल दिया। जब वो नीचे गिर गया तो बोला आज मैं धन्य हो गया, एक ऋषि ने मुझको अभिशाप दिया था, आपके स्पर्श से मैं पवित्र हो गया, दैनिक देवलोक में जा, दिव्य शरीर निकला और उनको परिक्रमा करके। इसके बाद सर्वंग ऋषि, एक ऋषि थे राम और लक्ष्मण, जब वहां पर गए उनसे मिलने के लिए देखा कि इंद्र स्वर्ग से विमान के द्वारा आकर के उनसे मिलने जा रहा है और उनसे प्रार्थना की ऋषि से कि आप देवलोक में चले, तो तुम्हारे ले जाने से नहीं, अपने कर्मों के बल से तपस्या के बल से जाऊंगा। इतने राज्य से निंद्र से राजा अब आप जाइए, श्री रामचंद्र जी आए हैं, उनसे हमको मिलना है। श्री राम से मिले, मिलकर के कहे कि मैं जाना चाहता था ब्रह्मलोक, उसी समय आप कृपा करके आए, आप कृपा कीजिए जो मैं जाऊं।
और योगाग्नि से अपने शरीर को चला करके देव रूप ब्रह्मलोक में चले। ऋषि का दुर्भाग्य था, कहां से रामचंद्र की लीलाओं में प्रवेश करते वो ब्रह्मवादी ऋषि ब्रह्मलोक, उनको अकल नहीं आई। इसके बाद उत्तिष्ठ नामक एक ऋषि थे जो कीर्तन में संलग्न रहते थे और राम की प्रतीक्षा कर रहे थे, कभी आगे जाते कीर्तन, कभी पीछे, कभी लौट जाते कीर्तन में। इन्होंने राम ने उन पर कृपा करके और उनको अपने धाम में पहुंचाया। अनुसुईया जी मिली, अनुसुईया जी पात्री जी जिनके पेटे पर करके ब्रह्मा विष्णु महेश थे, अनुसुईया जी, अनुसुईया जी ने सीता जी को अलंकार दिया कुछ और वस्त्र और अंगरा, कभी भी इनको भूख नहीं लगेगी, कभी भी उनको वस्त्र नहीं बदलना पड़ेगा, स्नान करने की जरूरत नहीं होगी, ये देकर के उनको दिया और सीता जी को अपने आप पहना दिया। ये वन जंगल में जाना, तुम्हारे कपड़े कभी भी मैले नहीं होंगे, तुम्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा, तुमको भूख प्यास भी नहीं लगेगी, इसीलिए लंका में कुछ नहीं खाया पिया, स्नान नहीं किया, कुछ नहीं किया, किंतु ठीक बनी गई। इसके बाद सीता जी को अंगराग इत्यादि समर्पण करना। इसके बाद में अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, वहां पर मृगा हिरण और शेर बाघ भालू सब एक घाट पर पानी पीते, बड़े मित्रता करते, वहां पर किसी को किसी से शत्रुता नहीं थी। वाल्मीकि आश्रम में जाने के बाद में वाल्मीकि जी ने इनको बहुत अस्त्र शस्त्र दिए, जो कि रावण को वध करने के लिए ये काम में आए। उन अस्त्र शस्त्रों को लेकर के वैष्णव धनुष ग्रहण किया, शूर्पणखा आई, राम की आज्ञा से लक्ष्मण उसकी नाक कान काट दी, आप लोग सब जानते हैं, खड़भूषण त्रिश्रा इत्यादि का वध किया और शूर्पणखा के उपचंदी करने से रावण राम से बदला लेने के लिए मारीच के साथ में उसे हिरण सोने का बनाकर भेजा। राम उसके पीछे दौड़े, जब देखा आश्रम में कोई नहीं है, लक्ष्मण जी सीता जी बोली तुम जाता क्यों नहीं है, जाकर के अपने भाई की रक्षा करो, मेरे अपने भाई, ऐसा मत समझो कि राम के मारे जाने के बाद में हम तुमसे शादी करेंगे, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, इसीलिए आया तुम भरत का गुप्तचर है। सुनकर के उनको बड़ा क्लेश हुआ और उन्होंने एक गोलाकार चिन्ह बना दिया आश्रम के और चले गए। इधर रावण आया, उसे पार करके सीता जी को हरण करना चाहता था, किंतु जमीन पैर रखे आग निकल नहीं भीतर जा सका, भिक्षांग देही करने लग गया। उस समय में सीता जी देने लगी, किंतु कहा जी हम इस कंडी में हम नहीं लेंगे, निकल करके आओ और नहीं आती है तो तुम्हारे पति का वध होगा, मैं अभिशाप देता हूँ, त्रिदंडी स्वामी का भेष बनाकर। सीता जी डर गई और उसी समय में रामचंद्र जी इस लीला के पहले अग्नि को सौंप दिया था। अब छाया सीता काम कर रही है, असल सीता अग्नि के पास में रह गई, वैदेही का हरण किया। रघुनाथ जी विलाप करने लगे, रावण ने जटायु का वध करके सीता को ले गया। सीता जी ने अपने अलंकार की पोटली जहां पर हनुमान जी
सुग्रीव नल लिंग अंगद इत्यादि बंदर बैठे थे, उसी ऋषभ पर बर्तन गिरा दिया, मुकुंद ने लेकर के देखा और रख दिया। फिर पंपा सरोवर में आए, जटायु के कहने से उनको ये पता चल गया जे रावण ही लेके आया, किंतु कहां लेके आया ये पता नहीं चला। फिर उन्होंने सबरी से मिलने के लिए कहा, सबरी कौन सी थी, सबर जाति की, राम के लिए प्रतिदिन पेड़ खाती या फल, और जिस पेड़ के फल मीठे होते उसको रखती, फूलों से उनके मार्गपुर से जाती, राम आ जाएंगे, हमारे गुरु जी ने कहा है जरूर आएंगे। इधर के बाद में फिर रामचंद्र जी आए, किसी भी ऋषि महर्षि के आश्रम में नहीं गए, सीधे इसके पास में गए और अपने बेर को उन्होंने, उसने कहा झूठी बेर कहते हैं, झूठी तो नहीं कि तुम्हारा, और फल के पेड़ को के फलों को चख कर गए। उसे रामचंद्र जी बड़े संतुष्ट, उन्होंने पंपा सर में जाने के लिए रास्ता बतला दिया और अब राम ने उसको अपने धाम में पहुंचा दिया। वहां पर जाकर के हनुमान जी से भेंट हुई पंपा सर में, किष्किंधा के पूछा, हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश बना करके उनके निकट आए और बड़े थोड़े से ही शब्दों में संस्कृत भाषा में उनसे राम का परिचय पूछा। ये साधारण आदमी तो ऐसा नहीं पूछ सकता है, आप कौन है, नहीं बतला रहे, बतलाइए, मैं आपका सेवक हूं। फिर अपना हनुमान रूप दिखाया और उनको लेकर के सुग्रीव के पास में गए, सुग्रीव से मित्रता हुई, अग्नि की साक्षी दे करके पाली का वध किया। इसके बाद में सुग्रीव जी ने हनुमान इत्यादि को दक्षिण में भेजा सीता जी का पता लगाने के लिए। हनुमान जी समुद्र को लांघ कर लंका में गए, सीता जी से भेंट की, राम की दी हुई अंगूठी उनको विश्वास के लिए दिया और फिर वहां पर फल खाने के बहाने समस्त भगवान को बगीचे को उजाड़ दिया और वहीं से आम की गुठली फेंकी, भारतवर्ष में बड़े बड़े सुंदर सुंदर आम होने लगे। ये लंका के मीठे ये आम सब हैं, चौसा कहते हैं और कौन दशहरी और कौन कौन से। इसके बाद में हनुमान जी लंका को जला करके लौट आए, राम से संवाद दिया और सीता जी ये चूड़ामणि राम को दिया, राम को विश्वास पाए। फिर आक्रमण करने के लिए विजयादशमी के दिन में विजय यात्रा की, समुद्र के पास में गए, समुद्र से कहा जे रास्ता दो, जब उसने नहीं दिया धनुष बाण उठाया तो उन्होंने कहा जी नल लिंग से समुद्र को बंधवा करके पुल बंधवा करके हमारी मर्यादा भी रहे, पुल बंधवाया और सारी पंद्रों की सेना वहां पर गई और फिर राम रावण से युद्ध हुआ, उसमें सब लोग मेघनाथ कुंभकर्ण अहिरावण जितने भी उनका वंश था 1,00,000 पुत्र सवा लखना थी सभी वंश हो गए। सीता जी को बुलवाया, सीता जी आई, कहा जी आपको कितने महीने तक असुर के घर में, मैं आपको ग्रहण नहीं करता, आपकी जहां इच्छा हो चली जाए। सीता जी ने कहा जी लक्ष्मण यद्यपि हमने तुम्हारे चरणों में अपराध किया है, शायद उसी का ये फल है, तुम हमारे लिए चीता बना दो, उसमें हम प्रवेश कर जाए। लक्ष्मण जी ने भाई की तरफ में देखा, आप क्या कर रहे हैं, सीता जी निर्दोष है, जानती हुई ऐसे कर रहे हैं, बहुत कुछ बोलने लगे। राम ने इशारा किया जरा ठहरो तो। फिर जब चीता बना दी गई, सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई और उसमें अग्निदेव सीता को लेकर के प्रकट हुए।
वो जो अग्नि को पहले सौंपा था आज उनको लौटाया और छाया सीता फिर उनके साथ में अयोध्या में आए, फिर उनका भरत से मिलन हुआ, फिर राज्याभिषेक हुआ और फिर कितने हजार वर्ष तक राज्य किए। अंत में फिर सीता जी को एक ग्रामीण धोबी के कहने से वन में भेजा, वन में ही उनको लवकुश की पैदा हुई। वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश ने सीखा सब कुछ। इस प्रकार से सीता जी किस प्रकार से पाताल में प्रवेश की गई ये सब बदला है। तीसरी अभी अभिषेक होगा, अभी हरि कथा होगी, ये रामायण का गान होगा और रामायण का भी ये लोग गान करेंगे और ये चलता रहेगा 4 बजे 5 बजे तक 5 बजे हम भी फिर आएंगे। दोपहर में अभिषेक होगा, अभिषेक करने के बाद में अनुकल्प होगा, चरणामृत लेकर के अनुकल्प होगा और फिर कथा चलती रहेगी। शाम को 5 बजे फिर मैं आऊंगा, फिर हरी कथा होगी और इसके बाद समाप्त। गौर प्रमाण वो तो नहीं आया है ना, दामोदर तो तुम ही हमारे सामने बड़ी हमारा करने के राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण the different names, complexions and methods of worship of the different incarnations in Sat Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga and Kali Yuga. So in reply to the incarnation from Kali Yuga, then Sukadev Goswami said, Tvata Sajusthidam Sukadev Siddharaja Lakshmi. So even though most people think this verse is for Lord Ram, actually this verse is describing Chaitanya Mahaprabhu. Because in the next verse it describes Krishna Bhagavata Matrisa Krishna Sa'angupanga Ashtapashana. Then since the last 2 days we're discussing Ram Katha. So previously Narad had instructed Valmiki on all Ram Katha. And then he blessed him and said, everything which I have described and all the leaders which I have not described, you should realize in Samadhi, just like we put an amla fruit in our hand, then you can see everything. So just like Narada Muni gave mercy to Vyasadeva, we could see all the pastimes of Bhagavatam and then wrote the Srimad Bhagavatam. In the same way, by the mercy of Narada Muni, he had darshan of all the pastimes that he heard from Narada, as well as pastimes that Narada had not described. And what he saw, Valmiki wrote, that is called the Valmiki Ramayana. So just like in an ocean, there are many jewels. Also in the Valmiki Ramayana, there are many jewel-like ornamental language, poetic use of words. This Ramayana is most astonishing because it is very dear even to the materialistic persons. They like to hear it. It is sadas, full of nectar. And it's so karunakmoy, but it's so full of pathetic, what's a good word? Pathos. Pathos, that's a good word. That even an ordinary materialistic person who has no bhakti, even they will cry upon hearing Ramayana. But hearing Krishna Leela, such a person will not weep.
but by hearing Ramayana, even materialistic persons will cry. Therefore, Valmiki described, from the beginning, baby Ram had all good qualities, like he was very soft, very gentle behavior, and he was loved by everyone. At young age, he went to the ashram of Vasishta, and there he learned all type of musical arts, weaponry, as well as the 64 qualities, just like Krishna learned from Sandipa Rishi. Also there, Vasishta Rishi taught him how to cut firewood, how to collect fruits from the forest, how to grind, thresh different types of grains, because he knew that soon Ram would be going to the forest and all these arts would come in handy for him. Also, how to tolerate happiness, distress, heat and cold, that was all taught by Vasishta Rishi to Ram and Lakshman. Then he protected the ashram of Valmiki, Vishwamitra, by killing Tarak and Subahu, the demons. Also, he pounded Murichi with an arrow and threw him 800 miles back into the ocean near Lanka. But he did not kill Murichi because he had some work to do. Murichi had some work to do in the kidnapping of Sita afterwards. Therefore, Ram did not kill him. All this he learned in Sita Ashram. That is where Gurudev was born. So Gurudev said that by childhood, I was always absorbed in the mercy of Lord Ram and Ram Katha. But by the mercy of Lord Ram, I became a devotee of Krishna and Mahaprabhu. Therefore, on the way to Janakpuri, towards the marriage of Sita, Ram delivered Aholya, who had become cursed to become a stone. After being delivered by the touch at the feet of Ram, she met her husband again, Augusta Rishi. Also, her son was Sarananda, who was the Brahminical priest of Lord Dasarath Maharaj, Gautam Rishi. There was the first meeting of Sita and Ram. Ram had gone to the forest, to the garden of Janakmaya, to collect flowers for the worship of his guru. And Sita had also gone there to worship Devi. That was the first meeting of Ram and Sita. So when Ram saw Sita, his mind completely went towards Sita. Then Ram turned to his brother Lakshman and said, "Oh brother, I have done a sinful thing. By my mind I have lusted or I have desired a woman who is not my wife. In my dynasty no one has ever done that before, therefore I am a disgrace." Therefore Lakshman said, "No, it's not possible that anyone in our dynasty could even think of such a sinful activity. Therefore this must mean that soon you will marry her." Therefore Janak Maharaj had taken a vow. Only the person who could lift the bow of Lord Shiva, only that person will marry my daughter. That bow is very heavy, but Sita, when she is to clean the mandir, she is to lift it up and clean under it, and she would put it down. So when Janak Maharaj saw this, then he said, "Only someone who can lift the bow also, only he will marry my daughter." Therefore many, many kings came and tried to lift the bow, but they could not lift it. And when Ram came to lift the bow, all the other kings were laughing. What can this guy do? He's just a weed. He cannot do anything. Therefore Ram picked it up and strung it very easily and broke it into three pieces. Then Sita chose Ram as her husband, but when she went to put the garland around the neck of Ram, she felt so much ecstasy because of Prem, she could not move her arms. Therefore the friends of Sita lifted the garland onto the neck of Ram on her behalf. That time all three brothers also married along with Ram at that time. Parasuram, the Bhagavatamesh avatar, Shaktivesh avatar, when he heard the sound of the breaking of Lord Shiva's bow, he became very angry and came there armed with bow and arrow and axe. And he roared, "Who has broken the bow of Shiva? Give an answer. Janak Maharaj, if you don't tell, I'll also chop off your head. Who has broken the bow of my guru, Shiva?" That time, Lakshman said, "Oh Maharaj, Dandavats, as children we broke many bows, play bows,
Therefore, I cannot understand, we broke one more. Why are you becoming so angry? Then Parashuram became very angry. I'll chop off your head, but you're a child, therefore I will not do it because you are so young. Then Lakshman said, I'm not a pumpkin flower. Pumpkin flower. Pumpkin flower is so soft, if you shout at it, then it dies. So Lakshman said, I'm not a pumpkin flower, but just you shout at me and I'm finished. I broke the bow, what are you going to do about it? Therefore then Parashuram became very angry, then Ram pacified him. Who has broken the bow? It must have been me. I'm your most obedient servant. Therefore, even though in the dynasty of Raghu, we always fight with anyone who comes for a challenge, but because you are Brahman, therefore if you want, you can chop off my head. In this way, he was pacified by Ram, but tortured by Lakshman. So he was hot and cold, hot and cold. As a result, all his Shakti disappeared. Then, in his hand he had one more bow of Lord Shiva. Therefore some doubt came in his mind of Parashuram. Ram said, why are you angry? Your name is very long. You are superior to me in every way. Your name is Parasurama, Ram of the axe. And my name is just two syllables, Rama. Therefore you are superior to me by even by name, by everything. Therefore Parashuram had a doubt, who could break the bow of Lord Shiva? Therefore he had an extra bow in his pocket. Therefore he said, if this bow goes to the hand of Ram, then I can understand who he is. Therefore that bow went automatically to Ram's hand. Ram took an arrow and drew it, then said, oh Parashuram, be careful. This arrow has to go somewhere. Therefore it will go to you and finish you, or it will go and burn your austerities. Where should they go? And Parashuram was thinking, let him burn my austerities, because at least I'll still be alive, I can do some more. Therefore Ram destroyed all his austerities, and he became weak, and he left that place. Yesterday we discussed the two benedictions of Kaikeyi. Everything was ready for the installation of Lord Ram as king. But on the night before, Kaikeyi took her two benedictions, those benedictions we discussed yesterday, and Ram was sent to the forest for 14 years and Bharat would be king. Therefore really Kaikeyi fulfilled the order of the inner intention of Lord Ram. Because if Kaikeyi had not sent Ram to the forest, there would be no kidnapping of Sita. There would be no death of the demons like Kumbhakarna and Ravan, Meghnad. No one would know the glories of Hanuman. Therefore, when Ram went to the forest, Dasaraj went to take the whole army with him to meet and bring Ram back. Then Kaikeyi said, where are you going with the army of my son? Therefore, Dasaraj stayed behind and left this world. On the way to the forest the first night, Ram stayed with Nishad Raja, one king of the forest dwellers, who was also a friend of Dasaraj. Guha invited Ram, you stay here in my kingdom because this is also the forest. And Ram said, I cannot. I will have to go to the forest proper. Therefore, from there, the minister, Sumantri, the main minister of Dasarath Maharaj, returned to Ayodhya. And on the invitation of Nisetraj, Guhya, Ram went to Chitrakoot. There in Chitrakoot, after crossing the river Ganga, he met the great sage Bharadvaj Rishi, who also told Ram to go to Chitrakoot. Afterwards, Bharat came with the whole army and also stayed there by the invitation of Bharadvaj Rishi. Bharadvaj was like Shankar, he had no material possessions. But he fed everyone, including the elephants and the horses, the thousands and millions of soldiers and maidservants. He fed them all and housed them all in palatial buildings by his austerities. And yesterday we heard of the meeting of Bharat and Ram in Chitrakoot. Bharat took the shoes of Ram on his head and went to Nandigam and there lived a life of a tapasvi. He did not take his wife there. After some time, Queen Kaikeyi came. But when Bharat saw her, he said, oh, I have no mother.
my mother has died. My mother was very affectionate and soft. Oh, but Queen Kaikeyi has come. What can I do for you? She said, I cannot stay here in the forest. I cannot stay in the palatial house. I want to go stay with you in the forest. And Bala said, no. You wanted to become the mother of the king, therefore you should stay there. All your desires have been fulfilled. She said, I cannot stay here in the king, in the house. I would rather stay here with the scorpions and snakes. I cannot tolerate your neglect. Then Bharat said, this is your penance. Go back and stay there. Therefore, in Chitrakoot, many came there to meet him. Therefore, Ram was disturbed. Therefore, he went to Dandakaranya. On the way, he was captured by a big demon called Virat. With two hands, he captured Ram and Lakshman. Then Ram was talking to Lakshman as they were in the hands. And Ram said, it looks like this demon is fulfilling the desires of Kaikeyi that we will be finished. Therefore, Ram and Lakshman cut off the arms of Virat, but he was not dead. And then we said, I cannot be killed by weapons. I can only be killed if you dig a hole in the ground there, push me in and set fire to me while I'm in the ground, then I can die. That would take care of most people, I'm sure. Therefore, I've been cursed by Rishi. By the touch of your hand, I have become pure. And then Ram killed, pushed him in the ground and burnt him to death. He was liberated and returned back to the heavenly planets. Also, in Dandakaranya, he met with the son of Sarvanga Rishi. Sarvanga Rishi was a little proud. Therefore, when Indra came to meet him and take him back to the heavenly planet, Sarvanga Rishi declined, I will not go with you. I don't need your help. I will go by my own austerities. I will wait for Ram. Therefore, when Ram came, he was very happy. He took benediction from Lord Ram and went to Brahmalok. He got liberation. The Guru said how unfortunate he was. He met with Ram, but because he was a Brahmavadi, he did not ask for bhakti. Instead, he went to Brahmalok and got liberation. Afterwards, Ram and Lakshman Sita met with Sutigna Rishi, who is always absorbed in kirtan of the holy name and rolling on the ground. Ram gave him bhakti and sent him to the supreme destination. There, Ram and Sita and Lakshman met with Anusuya. Anusuya, who had given birth to baby Brahma, Vishnu and Mahesh. Her ashram is there. Anusuya gave many instructions to Sita, how to serve the husband. Those instructions are there in the Ramayana. She gave him decoration to Sita. She said, by this you will never be hungry or thirsty. You'll never need to take bath. And your cloth will never become dirty as long as you wear these ornaments. Therefore, Sita stayed many 11 months in Lanka, but she never ate or drank anything, nor did she need a bath. Then Ram and Lakshman Sita came to the ashram of Augusta Rishi. There, even the animals, like the tigers, bears, and elephants, had friendly relationships with deers and rabbits. There was no animosity between the different species. Valmiki there gave a super weapon to Ram that would enable him to kill Ravan. There in Dandakaranya was the meeting of Ram and Supanika, and there Lakshman cut off her nose and ears. Supanika returned to her brother Ravan, and describing the beauty of Sita, inspired him to kidnap Sita with the help of Marich demon. When Ravan sent Marich in the form of a golden deer, then Ram chased behind Marich. When he killed Marich, Marich cried out in the voice of Ram, Lakshman, save me! Therefore Sita chastised when Lakshman would not go. Lakshman said, even the demigods combined cannot cause harm to Ram. What to speak of an insignificant demon like Marich? Then Sita chastised him. Oh, I know. You want that after your brother is dead, you will marry me. You must be a secret double agent of Bharat. Therefore, pierced by the words of Sita,
Then Lakshman had to leave. Before leaving, he drew a line around the ashram and said, "Do not leave beyond the border of this line, you will be safe." Ravan came disguised as Chidandi Maharaj, as a Chidandi Swami. When he went to step on the line, then immediately one fire came and burned his foot. He could not enter, therefore he called, "Bhiksham Dehi, Bhiksham Dehi, Bhiksham Dehi." But Sita would not come outside the line to give that donation to the Chidandi Swami. Therefore he said, "Come outside the line and give your donation. If you do not do, I will curse your husband, he will die." Therefore Sita was afraid, she stepped outside the line and she was kidnapped by Ravan. As Ravan was carrying Sita in the air, there was a fight between Ravan and Jatayu. As she was being captured, Ravan killed Jatayu, half killed Jatayu. And when she was carried off, then Sita dropped a bundle of ornaments that was found by Sugriv's servants, the other monkeys. They took that ornaments to Sugriv. Ravan Lakshman came and met with Jatayu. Jatayu said, "Ravan has kidnapped your wife, but I don't know where he went. Therefore, to get more information, Ram came to Pavan Saroma. There he met with the great Lady Sadhu Samadhi. By caste, he was a pig farmer. There Ram, Subali's guru, had said, "You wait here in this ashram, you will meet with Ram." Therefore, but her guru never said when Ram will come. Therefore, every day she used to line the path with flowers, and she would collect fruits from the forest, and the sweet fruits she would keep for Ram. Many years she passed when finally Ram came, and Ram was very happy by her loving service and sent her to Goloka Vrindavan, to Ram Ayodhya, the supreme destination. In Pavan Sarova, Ram met first meeting with Hanuman. Hanuman disguised himself as a Brahmin. His language was so expert in Sanskrit that Ram was thinking, "You are not an ordinary person, how you could speak so perfectly, directly to the point." "Then who are you?" Hanuman did not want to reveal his form. But finally he said, "I am your servant Hanuman." He took him to Sugriv. Ram made friendship with Sugriv. And on the strength of that friendship, Ram killed Babi, the friend, the brother of Sugriv. Hanuman went to the south to find where is Sita. He took with him one ring that had been exchanged in the time of marriage. And Hanuman used that ring to prove to Sita that I have really come from Ram. And Sita gave her chudamani, her hair piece, her hairpin jewel to Hanuman as proof that she had met with Hanuman. Hanuman took some fruits that he destroyed. The garland, the garland of Ravan. Hanuman threw the tree so hard, the guru was saying, some of the mangoes came to India, therefore very famous mangoes, especially Dasari and Alfonso. So Alfonso mangoes came from Lanka. And on the day of Vijay Dasami, Ram set out from Kishkinda towards Lanka on the day of Vijay Dasami. He requested the ocean, "Let me cross you." The ocean did not agree. Ram became very angry and went to burn the ocean to ashes. Then the ocean surrendered and said, "You can make a bridge, then you can cross me." Ram crossed the bridge, crossed the ocean by using the bridge. Then he killed big demons like Meghna, Abhiravan, and Kumbhakarna. Finally, after the destruction of the demon army, then Sita was brought back before Ram. Ram said, "You have spent 11 months in the house of a demon. What is the proof that you are pure?" Then was Sita, pierced by the words of Ram, she wept at the feet of Lakshman. "Definitely I must have made offense to you, therefore I am not being accepted." Therefore she asked Lakshman to build a funeral pyre. Then Lakshman was incongruous. By glance he was going, "What are you doing, you know? Don't you know that she is pure?" And Ram, by glance, was, "Wait, wait, be patient." As Sita entered the fire,
Then the fire god took the mayic form of Sita that Ravana kidnapped and returned the real transcendental form of Sita. And then with the meeting of Ravana and Sita again. For thousands of years, Ravana ruled Ayodhya as king. There was the meeting of Ravana and Bharat also again. Then, on the words of a washerman, Ravana again rejected Sita. There in the forest he gave birth to Laban Kush, Ravana. Laban Kush. And then also, on the second rejection of Sita, Sita entered into the earth. So that was the Ramayana, the next Nanshal. Nanshal. Go, Brahmanandi.